श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में उत्साह है। छत्तीसगढ़ के मंदिर भी तैयार हैं। रायगढ़ के कृष्ण जन्माष्टमी मेला में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। वहीं कांकेर में मूर्तिकारों में खुशी है कि इस बार उनकी मूर्तियां बिक रही हैं। जय कन्हैया लाल की से गूंजे मंदिर, श्री कृष्ण की झांकियों का दर्शन कर रहे भक्त, श्री कृष्ण के बचपन की मनमोहक झांकियां, राधा कृष्ण की मूर्तियों से सजे बाजार। छत्तीसगढ़ में श्री कृष्ण की धूम देखने को मिल रही है। मंदिर में नंदलाल के जन्मोत्सव के लिए चकाचौंध देखी जा रही है। जगमग रोशनी से छत्तीसगढ़ के मंदिर रोशन हो रहे हैं। रायगढ़ के ऐतिहासिक कृष्ण जन्माष्टमी मेले में लोगों का आना जाना लगातार जारी है। पिछले साल से इस महोत्सव पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। इस बार भी श्री श्याम मंडल रायगढ़ की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस के तहत मेले की शुरुआत की गई है। ये मेला 1 सितंबर तक चलेगा। साथ ही यहाँ के मंदिर सोमवार को जन्माष्टमी के दिन रात्रि 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। इस अवसर पर भक्त मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्री कृष्ण जी की झांकियों के दर्शन करेंगे। जहां कभी लाखों लोग मनोरम झांकियों के दर्शन करते थे, अब कोरोना काल में ये सिमट कर रह गया है। मंदिर परिसर के अंदर श्री कृष्ण के बचपन की मनमोहक झांकियां लगाई गई हैं, जिन्हें देखते हुए भक्तों के मन से एक ही बात निकलती है, जय कन्हैया लाल की। ये श्याम मंडल का जन्माष्टमी झूला उत्सव 27वां वर्ष है और कोरोना काल को देखते हुए यह एक छोटे स्तर पे किया जा रहा है मंदिर के प्रांगण में, और यह 5 दिवसीय विधिवत आज इसका शुभारंभ हो रहा है हमारे सभी श्याम मंडल के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा, और जो 1 तारीख तक चलेगा, 1 सितंबर तक का, और 20 तारीख को श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। जो भी प्रेमी आएंगे वो अपना मास्क पहन के आए और हम उन्हें तुरंत दर्शन करवा के आगे बदासी चलेंगे, जिसे भीड़ ना हो। और वहीं दूसरी तरफ कांकेर में जन्माष्टमी को लेकर मूर्तिकार काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। इस बार मूर्तिकारों ने बड़ी संख्या में राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाई हैं। इस साल उनकी मूर्तियां बिक भी रही हैं। महामारी के चलते 2 साल से कृष्ण जन्माष्टमी पर ना सजावट हुई और ना ही झांकियां लगाई गईं। साथ ही गणेश उत्सव पर भी मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया गया, जिससे मूर्तिकारों का कारोबार ठप था। लेकिन इस बार कान्हा जी मूर्तिकारों के लिए खुशियां लेकर आए हैं। बता दें कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि मंदिरों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। मंदिर परिसर में सिर्फ उतने ही भक्तों को आने दिया जाए जितने की इजाजत है, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। साथ ही भक्त शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर सके। मंदिर में पहुंचे बूढ़े, बच्चे, नौजवान और महिलाएं श्री कृष्ण के सामने मत्था टेक कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। साथ ही प्रभु के भजन के साथ राधे कृष्ण 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 हरे हरे के जप भी कर रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए रायगढ़ से शेष चरण गुप्त और कांकेर से राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।